पार्ट फोर इन पॉलिटी एमसीक्यू जो कि घटना चक्र के हैं, फिर से लेके मैं आपके लिए आया हूं फ्रेंड्स। इसमें मैं 100 क्वेश्चंस का कंटेंट को डिस्कस करूंगा। आई होप आपके पिछले 3 वीडियोस पसंद आई हो। मेरा बहुत टारगेट है कि मैं बहुत तेजी से इन वीडियोस को खत्म करूं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स लाइन पे हैं। बीपीएससी भी है और एमपीपीसीएस है, उसके बाद आपका यूपीपीसीएस भी आना ही है, तो इसीलिए मैं काफी तेज चलने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैं लेके आया, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे दे रखा है। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि भाई विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। ये भाई सवाल पूछा गया था उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स 2008 में, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस थे फ्लैग, कैपिटल, सोवरेनिटी, हेड ऑफ स्टेट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या बात होती है, जब भी स्टेट की बात होगी ठीक है, तो स्टेट के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। वो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पॉपुलेशन, दूसरा टेरिटरी, टेरिटरी होनी चाहिए लैंड, वहां पे लोग रहने चाहिए, उसके बाद गवर्नमेंट होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सोवरेनिटी होनी चाहिए। क्या था फ्रेंड्स, ब्रिटिश रूल के दौरान आपने देखा होगा कि टेरिटरी भी थी, पॉपुलेशन भी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी, लेकिन तब भी हम आजाद नहीं थे, हम स्टेट नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोवरेनिटी नहीं थी, हमारे पास अपना खुद का राज नहीं था। उस राज के लिए हम लोगों ने बहुत दिन तक अपना फ्रीडम स्ट्रगल चलाया, लाखों लोगों ने अपनी जाने दी और तब जाके हमको आजादी मिली। तो सोवरेनिटी वाला एलिमेंट जब हमको मिला तब हम स्टेट बने। तो इसका आंसर क्या है, सोवरेनिटी, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है द स्टेट इज एवरीवेयर, इट हार्डली लीव्स अ गैप। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आपका दो जगह से आता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल से आता है और एक आता है आपका इससे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। प्रीएम्बल प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी एक सवाल है जो थोड़ी देर में आएगा। अब अगर हम बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस तरीके का गवर्नेंस सिस्टम है, ये जो दूसरा सवाल है ना फ्रेंड्स, द स्टेट इज एवरीवेयर वेलफेयर स्टेट वाला, ये पूछा गया था झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में। और जो तीसरा सवाल है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरीके के गवर्नमेंट सिस्टम को बनाता है, तो मांग ये पूछा गया था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1990 में। तो इसमें ऑप्शन थे डेमोक्रेटिक, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, सेमी डेमोक्रेटिक। तो ऑब्वियसली बात है हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, पूछा गया भाई कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। इसमें ऑप्शंस थे आपके अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ और रेड टेपिज्म। तो इसका ऑप्शन था, आंसर था रेड टेपिज्म। और ये जो सवाल है फ्रेंड्स, ये पूछा गया था आपके झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में देर करना, किसी चीज को बहुत देर तक रोक के रखना। आपके पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है बट आप उसको जल्दी नहीं कर रहे हो, रोक के कर रहे हो, इसको रेड टेपिज्म बोलते हैं। और इसका शिकार केवल बाहर के लोग नहीं, जो गवर्नमेंट के अंदर के एम्प्लॉइज है ना, वो भी इस चीज के शिकार होते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक गवर्नमेंट में काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और अकाउंट्स में आपका कुछ काम फंस गया। मान लीजिए आप कहीं गए और आपने अपना एलटीसी के लिए अप्लाई किया और आपको उसका जो रिइंबर्समेंट था नहीं मिल रहा, फाइल फंसी हुई, तो वो भी एक तरीके का रेड टेपिज्म है, यानी काम को फंसा के रखना, जल्दी ना करना, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूपीपीसीएस में 2015 क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन थे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। हमारे पास प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है फ्रेंड्स, हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट है। देखिए कुछ हद तक हम फेडरल हैं फ्रेंड्स, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है। कहां बता रखा है, 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट लिस्ट में, और कॉन्करेंट लिस्ट में भी स्टेट गवर्नमेंट नियम बता सकती है, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट भी है हमारी कुछ हद तक, लेकिन हमारे पास प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है फ्रेंड्स आगे, ये जो सवाल था ये आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में, और उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। और वो बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हुए थे ना, वो लक्ष्मीकांत में छोटा सा स्टेटमेंट है, डीडी बासु में एक छोटा सा स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से कंफ्यूज हो गया। आप इस सवाल को पढ़ लीजिए, इस सवाल में लोग दो ऑप्शन में कंफ्यूज थे, एक बी ऑप्शन में कंफ्यूज थे, एक सी ऑप्शन में कंफ्यूज थे। इसका आंसर सी है फ्रेंड्स, ठीक है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, पीपल की तरफ, क्योंकि जो कैबिनेट होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो लेजिस्लेचर होता है वो पीपल को रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि पीपल हर 5 साल के बाद इलेक्शन में उस लेजिस्लेचर के लोगों को हटा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कैबिनेट के सामने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं, इसलिए कैबिनेट का काम है कि चीजों को स्पीड अप करना। बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी था, बी नहीं था, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है आंसर सी मारिएगा,
यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 क्वेश्चन है, कहीं पे भी आ सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब ये पूछा गया है इस क्वेश्चन को कि इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, देखिए इसका जो ऑप्शन था ये यूपीपीसी मेंस 2010 का सवाल है फ्रेंड्स। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए थे कि जुडिशरी कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स जुडिशरी, लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स लेजिस्लेचर। अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में या फिर कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक एग्जीक्यूटिव होता है जिसको कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। उस एग्जीक्यूटिव जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर वो किसको आंसरेबल है, लेजिस्लेचर को आंसरेबल है, किसको, लोकसभा राज्यसभा को। ये मैं अभी बता रहा हूँ सेंटर पे, स्टेट पे आप उसके एनालॉगस बना सकते हैं। जैसे कि जब आपकी लोकसभा की डिबेट चलती है, जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है, उसमें आपने देखा होगा फ्रेंड्स की बहुत सारे सवाल होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स पूछते हैं और उसके मिनिस्टर्स खड़े होकर जवाब देते हैं। वो मिनिस्टर्स कैबिनेट के मेंबर है तो वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो यहाँ पे जो कैबिनेट है ना वो पूरे लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है उसके मेन लोग कैबिनेट में है, और अगर वो जो गवर्नमेंट है उसको 50% मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं मिलता तो वो गिर जाएगी लोकसभा में। ये सब मैंने बहुत डिटेल में पॉलिटी की वीडियोस बनाया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। आगे चलते हैं। एक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसमें समाहित होती है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर है आपका प्रेसिडेंट। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है भाई, यूएसए, ठीक है, यूएसए का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहां पे सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में है, प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट है और प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है हमारे प्राइम मिनिस्टर, पर यूएसए में प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट भी है और प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है, अच्छा ये जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड, वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यूपीपीसी प्रीलिम्स 2005 में पूछा गया था, हालांकि इस तरीके का आसान क्वेश्चन की आने की संभावना कम है, थोड़ा घुमा फिरा के आ सकता है, इसे जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स यूपीपीसी मेंस 2011 में पूछा गया है कि इसमें से कौन इंडियन पॉलिटी का फीचर नहीं है। ऑप्शन है गवर्नमेंट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। तो ऑब्वियस ही बात है इसका आंसर था अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है वो अथॉरिटेरियन नहीं होती। अथॉरिटेरियन में क्या होता है कि एक आदमी के पास पूरी पावर होती है और वो आदमी जो चाहे वो कर सकता है। हमारे यहाँ पे क्या है कि हर 5 साल के बाद आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को बदल सकते हैं चुनावों में, ठीक है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2009 का क्वेश्चन है। इसे पूछा गया वेलफेयर स्टेट एम्स टू, इसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा, सिक्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादातर वेलफेयर हो सके। दूसरा ऑप्शन मैनेजमेंट ऑफ द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस। तीसरा ऑप्शन प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज। चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो जो तीसरा ऑप्शन था प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज, तो हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना वेलफेयर स्टेट का एम है, पर केवल यही एम नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन था मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, ये भी एक एम है, पर और सबसे मस्त जो इसका आंसर था वो था ऑप्शन ए, सिक्योरिंग मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर। इस स्टेटमेंट में ना सब कुछ आ गया। देखिए फ्रेंड्स जब आप लीड करते हो ना, मान लो आप 1000 लोगों को लीड कर रहे हो, तो जब भी आप कोई पॉलिसी बनाओगे ना, कभी भी वो 1000 के 1000 आपकी पॉलिसी से खुश नहीं होंगे। आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ भी करती है, कोई भी पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी से बहुत लोग खुश होते हैं और बहुत लोग नाराज भी होते हैं। तो अगर वेलफेयर स्टेट बनाना है तो वेलफेयर स्टेट में आप जो भी पॉलिसी बनाए आप इस हिसाब से बनाए कि वो भाई मैक्सिमम वेलफेयर करे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल का। ये कंसेप्ट होता है आपका वेलफेयर स्टेट का, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। इनमें से कौन बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का, ये यूपीपीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल एग्जीक्यूटिव, सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर एंड रेजिडुअल पावर्स ऑफ द स्टेट। देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो है सिंगल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सिंगल एग्जीक्यूटिव क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यूएस का जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसमें प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपने सारे मिनिस्टर्स को चुनता है और जब चाहे उनको हटा भी सकता है, ठीक है। तो अब ये सवाल आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यूपीपीसीएस में 2006 में पूछा गया है, तो इतना याद रखिएगा कि इसका जो आंसर है वो है सिंगल एग्जीक्यूटिव। अगर यही सवाल दोबारा पूछ दिया जाए तो प्लीज गलत करके मत आइएगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक एग्जीक्यूटिव सबसे बड़ा होता है और वो होता है प्रेसिडेंट, जैसे कि यूएसए के राष्ट्रपति की इसीलिए बहुत वैल्यू है और वो अपने सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है पर पूछता हूँ कि हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पावर का सबसे मेन सोर्स क्या है।
अब अगर आपको ऑप्शन में मान ली दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, जुडिशरी, तो आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में पीपल भी दे दिया और कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया है, तो आप आंसर क्या मारोगे? पीपल मारोगे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी ताकत हमारे पीपल से ही मिलती। प्रीएम्बल में लिखा है ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ताकत भी हमारे लोगों से ही मिलती है। तो हमारा मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर कौन है? हमारे लोग। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पूछा गया है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, अब देखिए ये जो सवाल है फ्रेंड्स, ये यूपी पीसीएस मेंस 2012 का सवाल है। इसका ऑप्शन थे रिजिड, फ्लेक्सिबल, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर था आपका पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल, ठीक है। असल में बात ये है फ्रेंड्स कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स बहुत अलग तरीके से हो सकते हैं। वैसे तो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 में दे रखा है, पर आर्टिकल 368 के अलावा भी सिंपल मेजोरिटी से आप अमेंडमेंट कर सकते हो। आर्टिकल 368 में स्पेशल मेजोरिटी भी है, और स्पेशल मेजोरिटी के दो टाइप्स हैं, एक तो स्पेशल मेजोरिटी और दूसरा स्पेशल मेजोरिटी विद एसेंट ऑफ 50% ऑफ द स्टेट्स। तो ये अमेंडमेंट वाला जो वीडियो है अलग से मैंने बताया है, मेरी पॉलिटी की वीडियो पढ़ा है, वहां पे जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जो हमारी डेमोक्रेसी है इंडिया की, एक बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था बहुत पहले, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स क्या है कि आईएएस प्रीलिम्स 2017 में आया है। आईएएस प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था फ्रेंड्स कि डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। ऑप्शंस दे रखे थे द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन, द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। इसको मैंने लिखा क्यों नहीं, मैं बताता हूं क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि पढ़ने में आपको समझ में नहीं आएगा। जहां भी डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया की बात की जाए, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भाई हमारी डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया केवल एक बात पर टिकी है कि लोगों को हर कुछ समय के बाद वो मौका मिलेगा कि वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हटा सकते हैं, और यही हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आपके इसके पास आए, आप उसे टिक करेंगे। तो जो बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि भाई डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, इसका आंसर था कि भाई पीपल के पास ये चॉइस है कि वो लोगों को हटा सकते हैं कुछ टाइम के बाद वोट करके। अब इसको कनेक्ट करिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 वाले क्वेश्चन से। उन्होंने डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस पूछी यूपीएससी, एक बार ऑप्शन दिया द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। साफ साफ बात है, क्योंकि ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन का क्या इंटेलिजेंस और क्या कैरेक्टर है, इसी बात पर डिपेंड करेगा कि वो किसको वोट देता है। और फिर अगर वो अपने दिमाग से, अपने इंटेलिजेंस से वोट देगा, तो फिर वो अच्छे आदमी को ही वोट देगा। यूपीएससी आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगी कि भाई पब्लिक को वोट करने की ताकत है इसलिए डेमोक्रेसी है। यूपीएससी ऑप्शन को टेस्ट करेगी और इसी तरीके से टेस्ट करेगी। यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का सवाल था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following point differentiates the Indian parliamentary system and British parliamentary system? UPPCS mains 2010 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसके ऑप्शन थे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुडिशियल रिव्यू, bicameral legislature एंड रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन पार्लियामेंट के पास भी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी है। रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव आपके इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी है, ब्रिटिश में भी है। bicameral legislature भी दोनों में है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ज्यादा सोवरेनिटी है, जुडिशरी के चेक्स कम है वहां पे, इंडिया में ज्यादा है और हमसे भी ज्यादा यूएसए में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन है इसके, ये यूपीपीसी प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन पेपर ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। इनमें से भारतीय संविधान का फेडरल फीचर कौन सा नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स, भाई ये तो बिल्कुल ही फेडरल फीचर है। दूसरा एंटायरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रुकते हैं थोड़ा। सिंगल सिटीजनशिप, रुकते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल फीचर का एक बहुत मेन हो, क्योंकि वो जुडिशरी फिर जो स्टेट्स है और जो सेंटर है उसके बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकती है। जो सिंगल सिटीजनशिप होती है ना फ्रेंड्स, वो फेडरल पॉलिटी को उतना पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि अगर आप यूएसए को देखोगे तो यूएसए में फेडरल सिस्टम है, सेंटर अलग है, स्टेट्स अलग है, और वहां पे जो लोगों के पास है ड्यूअल सिटीजनशिप है, यूएसए की भी सिटीजनशिप है और साथ साथ जिस स्टेट में रहते हैं वहां की भी सिटीजनशिप है। तो सिंगल सिटीजनशिप इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिया में क्या है कि भाई सिंगल सिटीजनशिप ही है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि फेडरल वाला ये फीचर इंडिया के पास नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका, ये जो आपका क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, क्वेश्चन नंबर 15, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन। आप इसके ऑप्शंस देख लीजिए, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो देश बना था वो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। यूएसए की अगर आप बात करें तो वहां पे 13 स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, यूएसए बना था, पर यहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था,
आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, इसकी वजह क्या है? ये यूपीपीसीएस प्रीलिम 2017 का, सॉरी 1997 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कि भाई जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बल्कि है, ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये है फ्रेंड्स, देखिए इसमें जो ऑप्शंस दे रखे थे वो कुछ इस टाइप के दे रखे थे, इनकॉर्पोरेट्स एक्सपीरियंस ऑफ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन, कंटेन्स डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, डील्स विद द गवर्नमेंट ऑफ अ लार्ज कंट्री, कंटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट। तो सही आंसर ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना जो बल्कि हो गया है उसकी वजह यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन गवर्नमेंट को कैसे गवर्न करना है ये भी लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट को कैसे गवर्न करना है ये भी लिखा है। तो दोनों चीजें एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई है, इसलिए बड़ा है। यूएसए में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और अपने अपने स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, और कहते हैं यूएसए का शायद कोई एक स्टेट है, शायद बोस्टन, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आप चेक कर लीजिएगा, शायद बोस्टन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा है, ठीक है। लेकिन इंडिया का बल्कीस्ट क्यों हो गया है? क्योंकि भाई जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन है उनका दोनों के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका आंसर याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर है ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है। तो भाई इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहने वाला इंसान कौन है? ग्रैनविल ऑस्टिन। इस बात को तो रट ही लीजिए, ये स्टेटमेंट आपसे दोबारा आ जाए, सीधा आपको आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 का प्रीलिम्स का सवाल है ये। अगला है हु सेड इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट, इसका जो ऑप्शन था वो था केसी वेयर, लिख देता हूं आपके सामने, ये भी रट लीजिए, ये यूपीपीसीएस 2010 का सवाल है। आगे चलते हैं, अब ये है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19, ये है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ एंड प्रोवर्ब। ये भाई किसने बोला? तो ये बोला है आपके एक पर्सन है जिनका नाम है हर्बर्ट साइमन, उन्होंने बोला है। ये झारखंड पीसीएस का सवाल है फ्रेंड्स, झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2016 का सवाल है। अगला क्वेश्चन है हु इन रिलेशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 20, इन रिलेशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये बात बोली है आपकी केसी वियर ने, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं अपने दिमाग में रट लेंगे उतना बेटर होगा। केसी वियर ने ये स्टेटमेंट बोला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टेटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन द टाइट मोड ऑफ फेडरलिज्म। ये जो केसी वेयर वाला स्टेटमेंट था क्वेश्चन नंबर 20 का, ये यूपी पीसीएस मेंस 2005 में आया है। और ये जो अगला है क्वेश्चन नंबर 21, ये आया है आपका यूपी पीसीएस मेंस 2008 में। तो ये इसका 21 का आंसर है आपका बी आर अम्बेडकर, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म, ये बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। हमारे यहाँ फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर बिल्कुल ही एक्सट्रीम फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, उनको एक खास बैलेंस के साथ रखा है। तो ऑब्वियसली बात है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इन्होंने ये बात बोली है, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? तो ये है आपका टाइगर, ये हम सबको पता है। इसका अगर साइंटिफिक नेम देखें तो वो है पैंथेरा टिग्रिस लियानस, तो वो मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने, पैंथेरा टिग्रिस लियानस, LINNAEUS, ठीक है। अगर हम फ्लावर की बात करें, हमारा नेशनल फ्लावर, तो नेशनल फ्लावर है हमारा लोटस, नेशनल फ्लावर इज लोटस, जिसको हम निलंबो न्यूसिफेरा भी बोलते हैं, स्पेलिंग है NELUMBO न्यूसिफेरा, NUCIFER है। अगर हम बर्ड की बात करें तो बर्ड है भाई पीकॉक। एनिमल की बात करें तो एनिमल तो खैर मैंने आपको बता ही दिया फ्रेंड्स, और हाँ अगर एक्वेटिक एनिमल की बात की जाए तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज गैंगेज रिवर डॉल्फिन, गैंगेज रिवर डॉल्फिन ये हमारा वो है, क्या नाम से, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। हमारा नेशनल मोटो की बात की जाए, इस एनिमल को आप कर दीजिए फ्रेंड्स मोटो। तो अगर आप मोटो की बात करोगे तो हमारा मोटो क्या है? मोटो है हमारा सत्यमेव जयते, और इस सत्यमेव जयते नाम के हमारे मोटो को उठाया गया है मुंडका उपनिषद से, और ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। सत्यमेव जयते हमारा मोटो है, उठाया गया है मुंडका उपनिषद से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2005 का क्वेश्चन है कि व्हाट डज द व्हील ऑन द इंडियन नेशनल फ्लैग सिंबलाइज। तो भैया इंडियन नेशनल फ्लैग पे जो व्हील है वो क्या सिंबलाइज करता है? तो वो सिंबलाइज करता है जस्टिस को।
इट सिंबलाइजेस जस्टिस। उसके बाद इसमें स्पोक्स कितने हैं, तो स्पोक्स हैं इसमें 24। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स याद रखिएगा। स्पोक्स वाला सवाल भी आपका उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2010 में आ रखा है। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 कि पूरी नेशनल एंथम को प्ले होने में कितना समय लगता है, तो समय लगता है, ये तो खैर मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स, 52 सेकंड्स लगते हैं। तो जो कंप्लीट वर्जन है इसको प्ले करने में 52 सेकंड्स लगते हैं, छोटा वाला वर्जन को प्ले करने में लगते हैं 20 सेकंड्स। झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2011 का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, नए स्टेट को अगर क्रिएट करना हो तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर क्रिएट होगा, कौन से आर्टिकल के अंदर क्रिएट होगा। तो देखिए आर्टिकल 3 में ये पावर दे रखी गई है स्टेट को, और स्टेट का मतलब यहाँ पे कौन हो गया, पार्लियामेंट को। आर्टिकल 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है पार्लियामेंट को कि वो नए स्टेट को बना सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, द पावर टू कार्व अ न्यू स्टेट। देखिए यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि नए स्टेट को बनाने की ताकत किसके पास है, तो वो बात हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे देगा, पार्लियामेंट लिख देगा, प्रेसिडेंट लिख देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिख देगा, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, वैसे तो यूपीपीसी मेंस 2008 का सवाल है, लेकिन स्टेट को बनाने की ताकत केवल एक एंटिटी के पास है जो कि है हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसके पास है एक नए स्टेट को बनाने की ताकत। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में और देखते हैं। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया क्या है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2008 का सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 26। इसमें ऑप्शंस दे रखे थे, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि हमारे आर्टिकल 1 में बोल रखा है इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला है फ्रेंड्स की क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। अब ये जो सवाल है ना फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएस 2011 का सवाल है मेंस का। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस 2011 का सवाल है, और इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है कि देखिए एक आर्टिकल 368 है, उसमें अमेंडमेंट के प्रोसीजर दे रखे हैं, तो उस आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर दे रखा है उसकी जरूरत नहीं है एक नया स्टेट बनाने के लिए। नया स्टेट बनाने के लिए पार्लियामेंट को लॉ लाना पड़ेगा, उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा, फर्स्ट शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा, फोर्थ शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम है, और फोर्थ शेड्यूल में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को जितनी सीट अलॉट करनी है वो दे रखा है। फिर एक चीज और है फ्रेंड्स कि इसको पास कराने से पहले पार्लियामेंट को इस बिल को जाके उन स्टेट्स को में फॉरवर्ड करना पड़ेगा जिसपे इसका इफेक्ट पड़ेगा, और उन स्टेट्स की राय लेनी पड़ेगी, उस राय को माने ना माने सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन जब इसको पास कराया जाएगा तो सिंपल मेजोरिटी से पास कराया जाएगा, और ये नहीं माना जाएगा कि ये आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट है। याद रखिएगा, इट इज नॉट डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। यानी जब नए स्टेट का फॉर्मेशन होता है तो आर्टिकल 368 का लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से मैं आपको बता रहा था। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 28, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2016 का सवाल है। A bill for the purpose of creating a new state must be passed by एक सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए पार्लियामेंट में, बस नए स्टेट को बनाने का बिल सिंपल मेजोरिटी, कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल मेजोरिटी से पास होना है। अगला, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय, इसमें आपको बहुत सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे सकता है, आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल देगा, एडमिनिस्ट्रेटर बोल देगा, प्रेसिडेंट बोल देगा, होम मिनिस्टर बोल देगा। तब देखिए, आप प्रेसिडेंट दे रखा है तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर को तो हटा सकते हो, होम मिनिस्टर में आप एक बार कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज होती है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करने वाला एक ही इंसान है और वो है हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि भाई हमारे लोकसभा में कितनी सीटें यूनियन टेरिटरीज के लिए रिजर्व है, हमारे लोकसभा में कितनी सीटें यूनियन टेरिटरीज के लिए रिजर्व है। इसका सवाल अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो एक गेस मारिए कि क्या हो सकता है इसका जवाब, 530, 20, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो इस केस से रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, हुआ ये था कि जो हमारे हाउस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना वो है 552, जिसमें से ध्यान दीजिएगा हमारे लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552, जिसमें 530 तो स्टेट्स के लिए है, दो एंग्लो इंडियंस के लिए हैं, और 20 हैं आपकी यूनियन टेरिटरीज के लिए। लेकिन करेंटली
यूनियन टेरिटरीज के पास 13 सीटें हैं लोकसभा की, मतलब 13 भरी जाती हैं, और उन 13 सीटों में से 7 हैं दिल्ली के पास, 1 है अंडमान निकोबार के पास, 1 है दादरा नगर हवेली के पास, 1 दमन दीव के पास, 1 लक्षद्वीप, 1 पुदुचेरी, 1 चंडीगढ़। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, आप इनको जोड़ लीजिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 सीट्स, यानी कि 1 दिल्ली के पास 7 सीट्स और 1-2 बाकी 6 यूनियन टेरिटरी के पास 1-1 सीट, तो टोटल 13 सीट्स हो गए यूनियन टेरिटरीज की लोकसभा में। राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज की 4 सीटें हैं, जिसमें दिल्ली के पास हैं 3 और 1 एक्स्ट्रा है पुदुचेरी के पास है 1, तो दिल्ली के पास 3, पुदुचेरी के पास 1। यहां मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ बोल के आपको बता रहा हूं। तो अगर रिजर्वेशन देखा जाए कि भाई यूनियन टेरिटरीज के लिए सीटें कितनी रिजर्व है, 552 है तो 20 रिजर्व है, स्टेट के लिए 530 है, लेकिन एक्चुअल में भी यूनियन टेरिटरीज कितनी सीटें अलॉटेड यूनियन टेरिटरीज को, 13 भरी जाती है, रिजर्व 20 है। ठीक है, तो उन 13 में से जो रेशियो था वो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ये है आपका एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2004 का क्वेश्चन। इसे पूछा गया है कि भाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जब बना तो उसके बाद कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी बने, तो उसका सिंपल सा आंसर है 14 स्टेट्स बने फ्रेंड्स और 6 यूनियन टेरिटरी बने। ठीक है, अब हुआ ये कि फजल अली कमीशन बैठाया गया, फजल अली कमीशन ने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में कुछ जानकारी दी और मतलब कुछ अपने रिकमेंडेशन दिए, और उसके बेसिस पे 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जो पहला स्टेट बना था लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो कौन सा था, वो था फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश, जो कि बना था 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिल्ली को एनसीआर का स्टेटस दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन का स्टेटस दिया गया? तो इसका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन का स्टेटस दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्किम की बात करें फ्रेंड्स, तो सिक्किम कौन से अमेंडमेंट के अंदर हमारे इंडिया का एक स्टेट बन गया? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ कि वैसे तो सिक्किम 1975 में जब 36th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ तब बना, लेकिन हुआ यह था कि फ्रेंड्स पहले सिक्किम को हमारा एसोसिएट स्टेट बनाया गया, और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाने के लिए 35th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 1974 में। तो सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाने के लिए 35th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 1974 में, जिससे सिक्किम एक एसोसिएट बन गया, और बाद में 1975 में 36th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ जिससे सिक्किम एक फुल फ्लेश्ड स्टेट बन गया इंडिया का। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से स्टेट्स बने और कब बने। देखिए फ्रेंड्स, बात यह है कि पूछ लेते हैं कभी कभी पीसीएस में सवाल आ जाता है कि भैया कौन कौन से स्टेट्स के फॉर्मेशन की डेट क्या है, तो वो डेट देखिए हमको पता होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे बस मैं आपको डेट क्या बस वो आपको साल बताऊंगा कब बना। नागालैंड की बात करें, कब बना नागालैंड? बना 1963 में। हरियाणा कब बना? 1966 में। ये क्विक रिवीजन है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन। अभी बताया सिक्किम कब बना, 1975 में कंप्लीट स्टेट बन गया सिक्किम। ठीक है, आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश कब बना? तो अरुणाचल प्रदेश बना फ्रेंड्स 1987 में। छत्तीसगढ़ कब बना? छत्तीसगढ़ के बारे में बात करी जाए कि ये आप देखिए, छत्तीसगढ़ की अलग कहानी है, उत्तराखंड की अपनी एक अलग कहानी है, और एक झारखंड की अपनी अलग कहानी है। छत्तीसगढ़ बना था फ्रेंड्स आपका 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ फॉर्म ऑन 1 नवंबर 2000। उसके बाद आई कि भाई झारखंड कब बना, तो झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। और फिर उत्तराखंड कब बना, तो उत्तराखंड बना फ्रेंड्स आपका 9 नवंबर 2000 को। ये मैंने इस डेट्स क्यों बताए, इन तीनों में मैंने आपको डेट बताई, इसलिए बताई कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है वो डेट्स का, या क्रोनोलॉजिकली आपको पूछ सकता है कि भाई छत्तीसगढ़ झारखंड और उत्तराखंड कब बना। सबसे पहले बना छत्तीसगढ़, फिर बना उत्तराखंड, और फिर बना झारखंड। तो सबसे पहले कौन बना के लिए छत्तीसगढ़ से कर सकते हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड में CJU में सी सबसे पहले आ रहा है, लेकिन उसके बाद का ऑर्डर को फॉलो मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद बनाया उत्तराखंड और फिर बनाया आपका झारखंड। मेघालय कब बना फ्रेंड्स? मेघालय बना 1972 में। आंध्र प्रदेश कब बना? आंध्र प्रदेश के बारे में अभी बताया फ्रेंड्स, 1953 में बना, पहला स्टेट था बनने वाला आपका
आंध्र प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कब बना? 1971 में। और राजस्थान कब बना फ्रेंड्स आपका? सोच के बताइए, सोच के बताइए, थोड़ा दिमाग आप भी लगाइए, थोड़ी सी एनालिसिस आप भी करें फ्रेंड्स, ठीक है, हर चीज मिल जाएगी सीधे सीधे तो प्रॉब्लम होगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और स्टेट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा मैं आपको बता चुका हूँ, महाराष्ट्र 1960 में बना, महाराष्ट्र मैंने यहाँ पे नहीं रख रखा है, जितने याद रह जाए, महाराष्ट्र बना आपका 1960 में। और राजस्थान चलिए मैं बता देता हूँ, राजस्थान बना आपका 1956 में, ठीक है। यानी कि राजस्थान जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था ना तभी बन गया था, तब काम भर के। अब अगर लैंग्वेज के कमीशन के बारे में बात की जाए तो फ्रेंड्स 1948 में सबसे पहला कमीशन बनाया गया था, ठीक है, तो 1948 में सबसे पहला कमीशन बना था, ठीक है, जो इसकी अध्यक्षता में बना था, एस के धर जी की अध्यक्षता में बना था। इस कमीशन ने ये बोला कि देखिए स्टेट्स को हम लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बना सकते, स्टेट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंसीडरेशन के बेसिस पे बनेंगे। उसके बाद जेवीपी कमेटी बनी, जेवीपी कमेटी, ये भी फ्रेंड्स आपकी 1948 में ही बनी थी, इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पताबी सीतारामैया थे। इन्होंने भी बोला कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे स्टेट्स बनने चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनने चाहिए। जब फाइनली बात नहीं बनी तो 29 दिसंबर 1953 को एक और कमेटी बनाई गई, अब तक आंध्र प्रदेश बन चुका था फजल अली जी के अंदर। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 2 साल के बाद, इसके बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956। तो कमेटी कब बनी थी? फजल अली कमीशन वाली, जिसको आप कह सकते हो द कमीशन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, 29 दिसंबर 1953 को बनी थी ये कमेटी, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने यहीं तक का कंटेंट तैयार किया है, अगली वीडियो में मैं आपको और कंटेंट ला के दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।